मॉर्निंग क्लास है, आज से हमारी ऑनलाइन क्लास शुरू हो रही है, आपको पता नहीं। और क्योंकि कोविड का बहुत ज़्यादा हो गया है, वापस से स्कूल सबके बंद हो चुके हैं, तो अपने को अपनी स्टडी तो बनाए रखनी है, तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते रहिए और अपने जो भी आपको बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, आप उसे समझिए। होमवर्क दिया जा रहा है वो आप अपनी कॉपी में कीजिए। मैथ्स को आपको डेली 1 घंटा देना है। आपको जो भी क्लास में करवाया जा रहा है उसे आप अपनी होमवर्क कॉपी में भी करेंगे और उसे रफ कॉपी में भी निकालेंगे एक बार क्वेश्चंस को, जिससे कि आपका यही तैयारी हो जाए। क्योंकि फिर धीरे धीरे क्या हम छोड़ते जाते हैं और फिर वो पहाड़ की तरह सिलेबस बाद में इकट्ठा होता जाता है, तो अपने को वो नहीं करना है। अपने को क्या करना है, जो साथ में करवाया जा रहा है सेम डे उसी दिन उसी कर लो, करके और सॉल्व कर लो, प्रैक्टिस कर लो, और जो ना समझ में आए वो हम पूछ सकते हैं, ठीक है। और आप अपनी व्हाट्सएप कॉपी पे सेंड कर दें। आप वीकली आके एक दिन स्कूल में आके आप क्वेश्चन, अगर कोई नई दिक्कत आ रही तो आप स्कूल में आके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, जैसे ही ये थोड़ा सा आपका बंद का ख़त्म होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1 से। उचित गुणधर्मों, क्वेश्चन अभी मैं इसलिए लिख लूँ क्योंकि अभी आपके पास बुक नहीं है। जल्द से जल्द अपनी बुक्स खरीद लीजिए, जिससे कि हम मुझे भी क्वेश्चन का नहीं ले और ज़्यादा मैटर आपको हो सके। उचित गुणधर्मों के उपयोग से मान याद करो। -2/3 -3/5 +5/2 -3/5 1/6, ठीक है। आप इसमें देखो कि पहले तो मल्टीप्लाई यानी गुणा का निशान किन किन संख्याओं में, क्योंकि ऐसे जब हम इस सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अगर ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, ब्रैकेट नहीं है तो अगर भाग है तो पहले भाग सॉल्व करो, फिर गुणा सॉल्व करो और फिर जोड़ या घटाओ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखो, ब्रैकेट है नहीं, भाग का निशान कहीं है नहीं, गुणा का निशान है एक तो इन दोनों के बीच में और एक इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों को जाकर सॉल्व करेगा, बाकी को एज इट इज लिख देंगे। देखिए कैसे, -2/3 सॉल्व कर दे, पहले देखो कटता है तो काट दो। जैसे 2 और 3 एक पहाड़े में नहीं आते, 3 और 5 भी एक पहाड़े में नहीं आते, 2 और 5 भी एक पहाड़े में नहीं आते, लेकिन 3 और 3 दोनों 3 के पहाड़े में आ रहे हैं। ये 3 के पहाड़े में कितनी बार जा रहा है, एक बार, और ये भी कितनी बार जा रहा है, एक बार, ऐसे ही। तो यहाँ पे अब बटने को नहीं रहेगा, तो ऊपर क्या, ऊपर की संख्या से गुणा करते हैं, यानी 2 को गुणा करेंगे 1 से, 2 × 1 = 2 माइनस का नीचे 5 × 5, ये संख्या आपको पता है, ये अभी तक सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि ये गुणा में, तो ये तो हम वैसे कैसे लिख देंगे, 5/2। ये माइनस की संख्या है, ये प्लस की संख्या है, तो प्लस माइनस में गुणा होता है तो माइनस लगता है। 3 और 6 ये गुणा में इसको सॉल्व करेंगे, 3 और 6 दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं, 3 × 3 और 3 × 2 = 6, तो अब इस 1 को इस 1 से गुणा करें, 1 × 1 = 1, और नीचे इस 5 को इस 2 से गुणा करें तो 5 × 2 = 10, ये हमारा हो गया गुणा का, ठीक है। अब आ गया हमारे पास जोड़ घटाओ, तो मैंने आपको बताया कि जोड़ घटाओ के लिए आपको एलसीएम लेना होगा, यानी लघुत्तम, ठीक है। लघुत्तम लेने का आपने पिछले 2 साल से आप सीख रहे हैं, 6 में भी सीखा है, 7 में भी सीखा है, फिर भी आप देख लीजिए 5, 2, 10, ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली हर होती है, तो हर का लैसे निकाल लो, तो यानी 2 का भाग 2, 5 ऐसे कैसे, 2 का भाग 2 में दिया 1 बार, 2 का भाग 10 में दिया 5 बार दिया, 5 का 5 × 5 एक ऐसे ही 5 × 5 कितना आ गया लघुत्तम, इन दोनों को गुणा किया तो 5 × 10। अब इस 5 का भाग 10 में दो, तो कैसे, देखो
ये पांच का भाव लघुत्तम आया जो दस उसमें देना नीचे वाले हर का पांच दूनी कितनी बार गया दो बार गुणा दो अब गुणा कर दो माइनस दो दूनी चार प्लस अब इस दो का भाग दस में दो तो देखो दो का भाग दस में दिया तो कितनी बार गया दो पंजो दस पांच बार गया गुणा पांच लिख दिया ऊपर पचास पच्चीस माइनस अब वापस इस दस का भाग इस दस में दो दस एकम दस गुणा तीन तो एक एकम तीन अब क्या हो गया पच्चीस को एज इट इज माइनस के चार और एक माइनस का एक हो गया माइनस के पाँच बटे दस बीस में से पाँच निकल गए तो रह गए पच्चीस में से पाँच निकल गए तो बीस बटे दस अब दस का भाग दे दो नीचे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग दे दो तो दस गुना बीस और वैसे भी काट सकते हैं एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना रह गया दो क्योंकि नीचे एक लिखते नहीं है अब है इसी का सेकंड क्वेश्चन देखिए आप दो बटे पांच गुणा ब्रैकेट में माइनस का तीन बटे सात माइनस एक बटे छः गुणा तीन बटे दो प्लस एक बटे चौदह गुणा दो बटे पाँच पहले हम इसको सॉल्व कर लें बोला आपको कि ब्रैकेट है या कुछ भी ऐसा सॉल्व कर ले पहले देखो भाग तो कहीं निशान है ही नहीं गुणा का है इन दोनों के बीच गुणा का निशान है इन दोनों के बीच गुणा का निशान है इन दोनों के बीच गुणा का निशान है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं देखो दो और पाँच एक पहाड़े में नहीं आ रहे तीन और सात भी किसी एक पहाड़े में दोनों नहीं आते क्रॉस में देखें तो पाँच और तीन भी नहीं आते और दो और सात भी नहीं आते तो ये हो गया प्लस माइनस माइनस ये प्लस की संख्या है ये माइनस की है तो प्लस माइनस माइनस गुणा कर दो तीन को दो से गुणा कर तीन दूनी छः और नीचे सात को पाँच से गया सात पंजो पैंतीस ये हो गया इन दोनों को गुणा करने पर आंसर अब इन दोनों का गुणा क्योंकि देखो और जो संख्या है कि दोनों के बीच में गुणा का निशान है लेकिन इस गुणा में देखो आप तीन और छः कट रहे हैं तीन एक और तीन तीन दूनी छः अब गुणा हो जाएगा एक को इसे एक से कर दो ठीक तो एक माइनस एक एक का एक और नीचे दो को दो से करा तो दो दूनी चार देखो अब तीसरे गुणा में भी क्रॉस में कट रहा है दो और चौदह दो के पहाड़े में आते हैं दो एक दो और दो सत्तर चौदह तो ये हो गया प्लस एक एक अंक एक और नीचे हो गया सात पंजो पैंतीस अब इसका लघुत्तम लिया एलसीएम सेम तरीका है हरों का ले लो पैंतीस चार पैंतीस पैंतीस चार पैंतीस सबसे पहले दो का भाग जा रहा है पैंतीस में नहीं जाता ऐसे लिख दिया दो का भाग चार में दिया तो कितनी बार गया दो बार और पैंतीस में नहीं गया ऐसे कैसे फिर से दो का भाग जा रहा है जब तक छोटी संख्या का जाना तब तक देते जाओ पैंतीस दो एक अंक दो पैंतीस अब इसमें दो का भाग नहीं जा रहा तीन का भी नहीं जा रहा चार का देते नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्याओं का देते हैं उन्हीं संख्याओं का भाग देकर देखते हैं जो कि केवल अपने ही पहाड़े में आती है तो पाँच का जाएगा पाँच सतह पैंतीस एक ऐसे ही पाँच सतह पैंतीस सात एकम सात एक ऐसे ही सात एकम सात गुणा कर दो दो दूनी चार चार पंजो बीस और बीस को सात से गुणा किया तो कितना आ रहा है एक सौ चालीस क्लियर अब वही पैंतीस का भाग दिया एक सौ चालीस में पैंतीस का भाग एक सौ चालीस में दिया चार बार गया ठीक तो अब ऊपर घर पर लिखते गुणा चार यानी माइनस छः चौ चौबीस गुणा करते अब है चार का भाग दो चार का भाग दें 140 में तो चार तीन बारह दो बचा जीरो उतारा चार पंजो बीस कुछ बचा ही नहीं पैंतीस तो इसको गुणा कर दिया गुणा पैंतीस से
तो जरा 35 को 1 से गुणा करो, 35 एक 35 प्लस 35 का भाग 140 में देंगे, सेम आ गया 4 गुणा 4 यानी 4 एक 4, क्लियर हो गया हमारा। अब देखिए इनको माइनस माइनस को एक जगह कर देते हैं, 24 और 35 कितने हो गए, 5 4 9 और 3 और 2 5, ये हो गए माइनस के 59 प्लस के 4 बटे में 140, माइनस के 59 में से 4 निकाल दो तो माइनस के कितने बचे, 55 बटे में आया 140। अब दोनों देखो किसके, कौन सी ऐसी संख्या जिसमें दोनों का भाग जा रहा है, दोनों में जा रहा है, 5 का भाग देखो 55 में भी जा रहा है और 140 में भी जा रहा है, तो 5 का दे देते हैं माइनस, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 का भाग 55 में देखिए तो 11 बढ़ जाएगा, 5 का भाग 140 में दो तो देखो 5 दूनी 10, 4 बचता है 5 8 है 40, यानी कितनी बार जा रहा है, 5 का भाग 140 में दोगे तो 28 बार, ये देखो 5 दूनी 10, 4 बचा 0, 5 8 है 40, 28 बार, तो ये आ गया माइनस 11 बटे 28। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है योज्य प्रतिलोम लिखो, क्या लिखना है, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम में केवल आपको चिन्ह बदलने, जैसे देखो फर्स्ट है 2/8, देखो प्लस का है तो माइनस का कर दो, माइनस 2/8, संख्या उल्टी नहीं होगी, केवल चिन्ह बदलेगा, योज्य प्रतिलोम में क्या बदलता है, केवल चिन्ह बदलता है, ठीक है। दूसरा है माइनस का 5/9, ठीक है, तो अब ये माइनस का है तो प्लस का कर दो, यानी प्लस का साइन लगता नहीं है, 5/9। सी देखो माइनस का 6, माइनस का 5, क्लियर, तो आप देखो दोनों तरफ माइनस है, तो जब दोनों तरफ चिन्ह हो ना माइनस के, तो एक या दोनों में से प्लस हो तो एक को बदल देते हैं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक छोड़ दिया, माइनस का 6/5, क्योंकि अगर हम देखें ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका मतलब ये प्लस की संख्या है 6/5, तो हमने इसको कर दी माइनस का 6/5। अगला है डी 2/-9, तो अपन कर देंगे माइनस 2/ प्लस का कर देंगे 2/9, क्योंकि माइनस का है ना तो हमने माइनस हटा दिया, प्लस की संख्या कर दी। और एक और है लास्ट ई है 19/-6, तो इसको हमने कर दिया, प्लस की संख्या बना दी 19/6। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये बोल रहा है सत्यापित करना है, ठीक है, किसके लिए, सत्यापित कीजिए कि माइनस माइनस एक्स बराबर एक्स आएगा। तो इसमें देखो फर्स्ट वाला दे रखा है, एक तो ए अपने को निकालना है एक्स बराबर 11/15, तो अपने को क्या करना है, सिर्फ एक्स का मान इसमें रखना है। देखो ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, ब्रैकेट लगा दिया, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, अब इस एक्स की जगह पे क्या लिखना है 11/15 बराबर इस एक्स की जगह पे जो भी यहाँ लिखा है। अब देखो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस का निशान हम लगाते नहीं है, यानी ये हो गया 11/15 बराबर 11/15, हो गया सत्यापित, दोनों तरफ बराबर हो गए। ऐसे ही बी, बी में बोल रहा है एक्स बराबर -13/17, इसका भी मान रखते हैं हम, देखो इसी में ये माइनस ब्रैकेट, ये माइनस एक्स की जगह पे, अब देखो एक्स की जगह पे यहाँ पर तो ये माइनस इसका है, लेकिन एक्स की जगह पे अगर -13/17, तो यहाँ हम छोटे ब्रैकेट को बड़ा कर देते हैं, दो ब्रैकेट आने पड़ेंगे, -13/17 और बराबर में एक्स, तो एक्स तो यही है माइनस का 13/17,
अब अपने इसको माइनस का 13/17 में लाना है, तो देखो माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो गया, ब्रैकेट में हो गया माइनस 13/17 बराबर में माइनस 13/17। अब देखो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी माइनस 13/17 और बराबर में भी हो गया माइनस 13/17, दोनों तरफ हो गया बराबर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 समझ लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है गुणात्मक प्रतिरोध, क्या बता रहा है गुणात्मक प्रतिरोध। गुणात्मक प्रतिरोध में चिन्ह नहीं बदलते, केवल जो आपको ये परिमेय संख्या दे रखी है उल्टी हो जाती है, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे। जैसे देखो ए है माइनस 13, कुछ नहीं है इसकी संख्या के नीचे, मैंने लगा दिया एक, ठीक। अब उल्टा कर दें, एक ऊपर, चिन्ह वही रह जाएगा माइनस का, केवल संख्या बदलेगी, एक ऊपर हो गया और 13 नीचे हो गया। बी देखो माइनस 13/9, ठीक सॉरी 19, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस तो वही रहेगा लेकिन संख्या बदल गई, 19 ऊपर चला गया और 13 नीचे आ गया। ऐसे ही सी, सी में है 1/5, तो ये संख्या हो गई उल्टी, 5 ऊपर चला गया, 1 नीचे, नीचे 1 की महत्व नहीं रह गया तो हम खाली 5 भी लिख सकते हैं। डी माइनस 5/8 गुणा ब्रैकेट में माइनस का 3/7, तो ये हो जाएगा माइनस का 5/8 और गुणा माइनस तो यही रहेगा लेकिन संख्या उल्टी रहेगी, 3/7 की जगह हो जाएगा 7/3। क्लियर, ये हो गया। और नेक्स्ट है इसी का पांचवा, वो बोल रहा है माइनस का 1 × ब्रैकेट में माइनस का 2/5, ठीक। तो ये हो गया माइनस का 1 गुणा, उल्टा कर दो माइनस में रहेगा, 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, ये हो गया। और एक लास्ट बचा है 6, जिसे बोल रहा है माइनस का 1, तो माइनस के 1 के लिए उल्टा हो जाएगा, 1 लगाए तो अपन क्या जाएगा माइनस का 1 ही रहेगा, उल्टा करो या सीधा करो। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको ये होमवर्क कॉपी में करना है, मैं यहाँ देख रही हूँ आपको होमवर्क क्या करना है, डू क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 इन कॉपी, कॉपी में ये आपको वर्क करना है और आप मुझे सेंड करेंगे और इन क्वेश्चन को बार बार निकालेंगे जिससे कि आपको आए समझ में आए और प्रैक्टिस करेंगे। मैथ्स हमेशा प्रैक्टिस के लिए होती है, इसलिए डेली प्रैक्टिस करनी है मैथ्स की, ये नहीं कि कर दिया या केवल उतार के छोड़ दिया है, रफ कॉपी में भी आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, अपनी होमवर्क कॉपी में भी करके मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।